सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर देश भर में हिंसा और उपद्रव शुरू हो गया है। हाथों में डंडे लेकर लोग ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में आग लगा रहे हैं। विपक्ष भी सरकार की इस स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहा है। ये हिंसक विरोध बिहार में काफी ज्यादा देखा जा रहा है। वैसे तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में सेना में भर्ती होने की चाह रखने वाले अब सड़क पर दिख रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच कुछ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने युवाओं को समझाने की कोशिश की है और चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि सेना का मतलब अनुशासन होता है और इस तरह के काम से वो खुद ही रेस से बाहर हो रहे हैं। सेना के रिटायर्ड अफसरों ने हिंसा फैला रहे युवाओं से कहा है कि आप अपना रास्ता बंद मत कीजिए, अगर ऐसे दंगों में आप फंस जाएंगे तो आप पर पुलिस केस होगा और सेना में जाने के आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। इन रिटायर्ड अफसरों ने युवाओं से कहा कि आप खुद ही सेना में जाने का अपना रास्ता रोक रहे हैं। एक इंटरव्यू में रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई ने कहा कि ये स्कीम बहुत ही अच्छी है, इससे युवाओं को मौका मिल रहा है। ऐसी बातें पहले से ही होती रही हैं कि युवाओं को सेना में सेवा देनी चाहिए जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना आए। रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा कि सीमा का अनुभव लेने के बाद नौकरियों की संभावनाएं भी काफी ज्यादा होती हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भी अवसर उपलब्ध होते हैं, वहां पैसा भी अच्छा मिलेगा। इन रिटायर्ड अफसरों ने कहा कि जिस तरह से ये दंगे हुए उसमें हमें षड्यंत्र नजर आ रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। कई लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि जो लोग दंगा कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, वीडियो फुटेजेस को खंगाला जाना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग कौन हैं। सोशल मीडिया पर अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि जो लोग फौज में भर्ती के नाम पर दंगा कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कैसे भारत माता की सेवा करेंगे? राष्ट्र की संपत्ति को ये लोग कैसे आग लगा सकते हैं? Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.